शामली जनपद में पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली शामली पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। बता दें, इस तस्कर के कब्जे से करीब 181 किलोग्राम अवैध चरस बरामद किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत 2.25 करोड़ रुपए बताई गई है। जनपद शामली में लगातार जो अवैध मादक द्रव्य हैं उनके तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग जो सप्लाई गैंग है, जो ग्रुप है, उसका एक खुलासा किया गया है। इसमें तार जो इस ड्रग तस्करी के हैं उसके नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में जो एक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उसके पास से 1 क्विंटल 81 किलोग्राम चरस जो है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी बरामद हुआ है। जो इस घटनाओं में कार्यरत गाड़ियां हैं वो भी बरामद हुई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की जानी बाकी है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के एक एक व्यक्ति को खंगाला जा रहा है, इनकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।